नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये कार्यक्रम है योग शक्ति का। योग शक्ति कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के संयुक्त प्रयास से। और ये कार्यक्रम आप देखते हैं NCERT के ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर, और साथ ही साथ आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं यूट्यूब पर NCERT ऑफिशियल पर लाइव, और साथ में आप इस कार्यक्रम के दौरान इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, अपने प्रश्न या प्रतिक्रियाएँ लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और साथ ही साथ आप फ़ोन नंबर के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8800440559, और ईमेल एड्रेस पर भी कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया या कार्यक्रम से जुड़े अपने सवाल, विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए mdniy@yahoo.co.in। इन माध्यमों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज का विषय क्या है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, और आज का विषय है योगिक मैनेजमेंट फॉर अस्थमा। अस्थमा की जो समस्या है उसको नियंत्रित करने के लिए या उससे बचाव के लिए योग की कौन कौन सी क्रियाएं आपकी मदद कर सकती हैं, ये आज के सत्र में जानेंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर हमारे साथ हैं कृष्ण कन्हैया जी, जो कि ESIC हॉस्पिटल में हैं योगा इंस्ट्रक्टर, और साथ में साथ PhD स्कॉलर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आज का जो प्रोटोकॉल है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे स्टूडियो में है कोमल, जो कि एलुमनाई है MDNIY में। कोमल का भी हम आज के सत्र में बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि तमाम माध्यम हैं, इनके ज़रिए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप खुद या आपके आसपास कोई प्रभावित है अस्थमा से, तो इसकी समस्या को कैसे दूर करना है, ये तो योग की क्रियाओं में जानेंगे ही, साथ ही कुछ प्रश्न भी हैं तो आप लिख सकते हैं तमाम माध्यमों में। और शुरुआत करने से पहले मैं सर से आग्रह करूँगा आज के योग इंस्ट्रक्टर से कि अस्थमा की समस्या है क्या, इसके कारण क्या होते हैं, और कैसे लोगों को पता चले कि वो अस्थमा से प्रभावित है, लक्षण क्या है इसके। सबसे पहले नमस्कार सभी को। जैसे कि आज का विषय है, सर ने बता दिया है, जो हमारा अस्थमा है जिसको हम दमा भी कहते हैं जी। अस्थमा बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है, इसमें हमारा श्वसन संस्थान प्रभावित होता है, सांस लेने में कठिनाई होना शुरू होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकेलियर ट्यूब होता है उसमें म्यूकस का अधिक मात्रा में बढ़ जाना, और वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें ग्लोबलेट सेल पाया जाता है जिसका नियमित रूप से कार्य करना हमारा श्लेष्मा का वृद्धि करता है, और जब श्लेष्मा की वृद्धि हो जाती है तो हमें श्वास लेने में कठिनाई शुरू होने लगती है। तो हम बात करेंगे इसके लक्षण क्या हैं। जब आप नॉर्मल काम भी करते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है, जब श्वास लेते हैं तो उस समय आपका स्विंजिंग की आवाज़ आती है, घरघराहट, सीटी की आवाज़ आने लगती है जब श्वास आप लेते हैं, छाती में हमेशा जकड़न महसूस होता है, और छाती में हमेशा जकड़न महसूस करते हैं। कम मेहनत वाले भी काम करते हैं तो ज़्यादा आपको श्वास आपका फूलने लग जाता है, हंसते हंसते खांसी आ जाता है, हमेशा आपको बलगम वाली खांसी आता है, जब आप खांसी करते हैं तो हमेशा बलगम निकलना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो आप इसको आप अस्थमा का लक्षण कह सकते हैं जी। तो अस्थमा का लक्षण समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ में एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ सर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर सीज़न या समय भी होता है जब अस्थमा का इम्पैक्ट या कहें कि उसका जो असर है वो बढ़ता है या घटता है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका जी। जैसा कि सर, जो मौसम हमारा, ये कब प्रवृत्ति का रोग होता है, तो जब जाड़े का सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, उस समय ये रोग अत्यधिक मात्रा में बढ़ता है और होने की संभावनाएं होती है, तो विंटर में खास सावधानियां इसमें बरतने की जरूरत है जी। तो लक्षण क्या है और कारण क्या है? हाँ, सर, कारण इसके कारण की बात करेंगे। देखिए, इसके कई सारे कारण हैं, उसमें से जैसा हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण एक बताया गया है, जो आजकल के भागदौड़ की जीवन शैली है, जो तनावग्रस्त जीवन लोग जी रहे हैं, प्रतिस्पर्धा, दुख, जो किसी कोई विद्यार्थी है पेपर पास नहीं कर रहा है उसका दुख है उनको, तो कई तरह के दुख जो है इसका कारण होता है। अगला जो है अनुवांशिक कारण। हाँ, अगर आपके घर में आपके माता पिता या आपके दादा दादी को है तो आप भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा कारण है एलर्जी।
एलर्जी किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे धूल का कण, मेट्रो सिटी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है यहाँ पे, और जानवरों के बाल, पंछियों के पंख, इस तरह की जो चीज़ें हैं एलर्जी वाले, परफ्यूम, तो वो आपको इसका कारण बनता है। और जो चौथा कारण है वो नशीले पदार्थ का सेवन, या आप स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग करने वाले के साथ भी होते हैं तो भी आप इससे प्रभावित होते हैं। जी, तो कारण क्या है, लक्षण क्या है और अस्थमा समस्या क्या है, ये तीनों चीज़ें आपने जान ली, समझ ली, और इसको योग के माध्यम से कैसे दूर करेंगे या इससे कैसे राहत पाएंगे, ये अब जानने का प्रयास करते हैं। सर, शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। आज की जैसे योगा सत्र की प्रारंभ हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलतापूर्वक बंद, कुछ देर ध्यान अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। एक से दो बार लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को छोड़ें। एक ओम के साथ प्रार्थना प्रारंभ करेंगे, श्वास भरें। ओ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर इसी स्थिति में प्रार्थना के भाव को आत्मसात करें, दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करें, उष्मा उत्पन्न करें, आंखों पे लगाए, अंदर ही पलके को झपके धीरे से आंखें खोल दें। चलिए, हम यहाँ पे एक जल नीति का अभ्यास होता है, जो हमारे योग क्रिया है उसमें हम जल नीति का अभ्यास करते हैं, और कुंजल की क्रिया। जल नीति का अभ्यास आप पानी, गर्म पानी लेके उसमें हल्का नमक डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कफ विकारक होता है और कफ की प्रवृत्ति को दूर करता है। अगला होता है कुंजल क्रिया, आपको अगर आता है तो वो भी कर सकते हैं या किसी योग एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं। उसमें आप 1.5 से 2 लीटर पानी पी के उसको निकालते हैं बाहर सामने की तरफ झुक के। तो आज हम शुरुआत करते हैं, जो हमारा योगा अभ्यास है वो सूक्ष्म व्यायाम से। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे, दोनों हाथ सामने, करेंगे हम उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि क्रिया। दोनों हाथ अपने जंघाओं से मिला के रखें, गर्दन थोड़ा ऊपर, दृष्टि बिल्कुल सामने। इसमें वेग पूर्वक आप श्वास प्रश्वास करेंगे 20 से 25 बार के लिए। विश्राम करें, आंखें बंद, ध्यान अपने शरीर पर रखें, प्रभाव को महसूस करें। अगला जो क्रिया है वो है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। इसमें समस्थिति में खड़े हो जाएं और गर्दन को पीछे की तरफ झुका दें, ध्यान आपका शिखामंडल पे। इसमें भी वेगपूर्वक श्वास प्रश्वास करना है, या आपके लंग्स के लिए बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। आपके जैसा कि हमने बात करा था, अस्थमा जो होता है वो श्वास से संबंधित बीमारी है, उसके लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। बहुत अच्छा अभ्यास, विश्राम करेंगे, आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करें। अगला जो क्रिया है वो मेघा शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। दोनों पैर को मिलाएं, दोनों हाथ बगल में, अपने गर्दन को सामने की तरफ झुका दें, अंगूठे पे ध्यान, दोनों पैर की उंगलियों पे,
ध्यान आपका मेघा चक्र पे रहेगा, पीछे वाले जगह पे, और श्वास प्रश्वास करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है ये फेफड़ों के लिए। इसको भी आप 20 से 25 बार करें, और जिन लोगों से नहीं होता प्रारंभ में 15-20 बार करने से धीरे धीरे इस क्रिया को बढ़ाएं। विश्राम करेंगे कुछ समय, आंखें बंद, ध्यान अपने शरीर के ऊपर सजगता लाएं, प्रभाव को महसूस करें। आफ्टर प्रैक्टिस क्या था, बिफोर प्रैक्टिस क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगला हमारा सूक्ष्म व्यायाम है वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया भाग एक। इसमें दो क्रियाएं हैं। सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैर मिला हुआ, हाथ जंघाओं पे लाएं सामने। अब यहां से श्वास भरते हुए धीरे से हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं, गर्दन हल्का पीछे की तरफ झुकेगा। यहाँ पे श्वास को सामान्य रखें, श्वास को रोकना नहीं है, अस्थमा के रोगी तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करते रहें, कुछ समय होल्ड करेंगे। ये आपके फेफड़ों को प्रभावशाली बनाता है, मजबूत बनाता है, क्योंकि हम इसमें श्वास भरते हुए पूरा फेफड़ों को एक्सपेंड कर देते हैं। धीरे से वापस आए, आंखें बंद रखें, समस्थिति में प्रभाव को महसूस करें। अगला जो सूक्ष्म क्रिया है उच्चारण हमारा वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया भाग दो। इसके लिए सम स्थिति में खड़े हो जाएं, पहले के भांति हाथ जंघा पर लाएं। इसमें हाथों को घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, दोनों हथेलियां एक दूसरे के समान, और सिर को पीछे की तरफ झुका देंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, कुछ समय यहां विश्राम करेंगे। पूरे खिंचाव को महसूस करें आपके वक्षस्थल वाले एरिया में, सांसें बिल्कुल सामान्य। धीरे से वापस आ जाएं, सम स्थिति में हाथों को नीचे ले आएं, पैरों में हल्का गैप, विश्राम करें आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करेंगे। अब हम चलेंगे आसनों की ओर। तो सबसे पहला आसन है ताड़ासन। सब स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों हाथ को सामने लाएं, दोनों उंगलियां आपस में मिला दें, ऊपर की तरफ हथेलियों को पलटें, शरीर में पूरा खिंचाव दें ऊपर की तरफ, जैसा कि ताड़ आसन ताड़ के वृक्ष के समान ऊपर की तरफ खिंचाव दें। पूरे शरीर में खिंचाव देते हुए धीरे से अपने एड़ी को ऊपर की तरफ उठा दें, श्वास को बिल्कुल सामने सामान्य रखें, दृष्टि सामने। यह आसन बहुत ही लाभकारी है अस्थमा के रोगी के लिए, क्योंकि ये आसन हमारे जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखा जाता है उनमें, तो इस आसन से हमारे कब्ज दूर होता है, पूरे शरीर में खिंचाव आता है, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो रहता है। धीरे से अपने एड़ी को नीचे लाएं, हाथ को धीरे से खोलते हुए सामने से धीरे से नीचे आ जाएं। सम स्थिति में आंखें बंद, कुछ समय अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अगला आसन करेंगे हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास। सम स्थिति में खड़े हो जाएं,
दोनों हाथों को ले जाएं अपने पीछे कमर के वाले हिस्से पे, सपोर्ट करें पीछे से। श्वास भरते हुए ले जाएं गर्दन पीछे, कमर से झुकें, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। सांस को बिल्कुल समान, आंखें खुली हुई, कुछ समय रुकें। आपके वक्षस्थल के लिए, आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। कुछ समय रुकें इसी स्थिति में, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आए, धीरे से समान स्थिति में आ जाए, पैरों में थोड़ा गैप, विश्राम करेंगे, अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अगला आसन त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन आपके मेरुदंड के को लचीला बनाता है, आपके वक्षस्थल में बहुत सहायक होता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। इसके लिए अपने दोनों पैर में 3 से 4 फीट का गैप करें। अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री में मोड़ें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को उठाएं सामने से, हथेलियों को सामने की तरफ खोल दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाएं ओर झुक जाएं। ध्यान आपके दूसरे वाले हाथों के उंगलियों पे, बहुत अच्छा अभ्यास है ये, आपके मेरुदंड के लिए को ये लचीला बनाता है, वक्षस्थल को मजबूती प्रदान करता है। धीरे से वापस आएं, पैर को सामने करें, अब बाएं पैर को मोड़ दें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकाते हुए दूसरी ओर, दृष्टि ऊपर वाले उंगलियों पे। कुछ समय रुके, पर धीरे से वापस आए, दोनों पैर को हाथ नीचे ले आए, दोनों पैर मिलाएं, सम स्थिति में आ जाए, आंखें बंद, अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अब करेंगे हम बैठकर किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहले बैठें, पैर को सामने खोल दें, दंडासन में बैठेंगे, गौमुख आसन का अभ्यास करेंगे। जैसा कि नाम से लग रहा है, गौमुख आसन। अपने दाहिने पैर को मोड़ें, बाएं पैर को मोड़ें, दोनों पैर आपके नितंब से लगे रहें, एक पैर लगाएं नितंब के पास, हाँ बहुत अच्छा, दूसरे पैर को ऊपर से कर दें दाएं पैर को। अब दाएं पैर को श्वास भरते हुए उठाए, दाएं हाथ को ऊपर से, दूसरे हाथ को पीछे से ले जाएं, बहुत सुंदर, दृष्टि सामने, पूरा खिंचाव फैलाव दे अपने वक्षस्थल वाले एरिया में सामने की तरफ, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, बहुत अच्छा आसन है ये। हमारे जो घुटना होता है उसके दोनों की स्थिति गौ के मुख के समान बताई जाती है, वो हो जाता है हमारा। वापस आए, अब जो पैर हमारा, धीरे से वापस आए, जो पैर हमारा नीचे था उस पैर को ऊपर करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, दाएं हाथ नीचे से, दृष्टि सामने। ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है हमारे वक्षस्थल के लिए,
मेरुदंड को सीधा करता है। धीरे से वापस आए। पैर को खोलने सामने की तरफ, दंडासन में सामने फैला दे, विश्राम करें। धीरे से पैर को मोड़ेंगे, वज्रासन की स्थिति में आएंगे। यहां पे विश्राम करें। बहुत अच्छा। अगला आसन जो है वो मजरी आसन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ आगे झुक के रखें, दोनों घुटने में कंधे के बराबर, दोनों हाथों में कंधे के बराबर जगह बना लें, गैप करें। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है, पीठ वाले हिस्से को नीचे की तरफ दबाना है। श्वास छोड़ते हुए अपने नाभि वाले स्थान को देखने का प्रयास करना है, पीठ को ऊपर की तरफ। बहुत सुंदर अभ्यास है ये, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है। कहते हैं जो मेरुदंड सही होता है तो बाकी सब कुछ सही हो जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ दीजिए, विश्राम करेंगे। आइए वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बैठें और अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। क्या परिवर्तन हुआ, कहां खिंचाव हुआ, उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन का करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले घुटने के बल खड़े हो जाएं, हाथ अपने कमर पे ले जाएं, पीछे वाले हिस्से को सपोर्ट करें दोनों हाथों से। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, पीछे की तरफ झुके, आंखें खुली हुई, गर्दन पीछे ढीला छोड़ दें। श्वास प्रश्वास रखेंगे, श्वास रोकेंगे नहीं। अस्थमा के रोगी के लिए श्वास रोकना होना है, उसको रोकेंगे नहीं आप। श्वास प्रश्वास समान ले रखें। बहुत अच्छा आसन है ये। धीरे से वापस आएं। यह आसन हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, क्योंकि हम जब पीछे जाते तो हमारे आंतों में घिंचाव आता है। इससे कब्ज की समस्याएं दूर होती, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट में देखा जाता है कि उनमें कब्ज की समस्या बहुत अधिक होती है, तो उससे ये निजात हमें मिलता है और हमारे मेरुदंड के लिए भी सही होता है और वक्षस्थल भी हमारे पीछे की तरफ घिंचाव आता है उसमें भी मजबूती प्रदान होती है। अगला आसन हम करेंगे उष्ट्रासन का। अभी हमने किया अर्धउष्ट्रासन, अब करेंगे उष्ट्रासन। इसके लिए खड़े हो जाएं घुटने के बल। अब अपने दाहिने हाथ को पीछे से आगे की तरफ से घुमाते हुए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। अब दूसरी हथेली पीछे की तरफ, गर्दन पीछे झुका दें। श्वास प्रश्वास अब सामान्य रखें, घिंचाव को महसूस करें अपने वक्षस्थल वाले एरिया में। इसमें भी हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। इस आसन से खिंचाव हमारे वक्षस्थल पे होता है।
धीरे से वापस आए, हाथ एक एक करके हाथ को लाए वापस, बैठे, हाथ को नीचे ले आए, दोनों घुटनों में गैप करें शशांक आसन की स्थिति में, हाथ को सामने की तरफ फैलाएं, आगे की तरफ झुक जाएं, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नितंब आपका पीछे मैट से लगा रहे, ठुड्डी आपकी मैट से लगा के रखें और विश्राम करें कुछ देर इसी आसन में रुकें। ये बहुत जरूरी होता है, जब भी आप पीछे मोड़ने वाले आसन करते हैं तो उसके उपरांत आपको आगे झुकने वाला आसन आवश्यक होता है करना। धीरे से वापस आए, सम स्थिति में आए, एक एक करके पैर खोले दंडासन की स्थिति में। अब हम करेंगे लेटकर करने वाले आसन, तो लेट जाएंगे, मकर आसन की स्थिति में लेटेंगे, आराम से पैर खोलते हुए पीछे की तरफ से अपने दोनों पैरों में गैप रखें, कंधे बराबर, एरिया अंदर की तरफ हो, पंजे बाहर की तरफ, बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर, अपने दाएं हथेली पे दाएं गाल को लग रखें और कुछ समय विश्राम करें। इसी स्थिति में बहुत अच्छा अभ्यास है ये रिलैक्सेस के लिए, हमारे कमर में को प्रभावित करता है, कमर के लिए अच्छा अभ्यास है। वापस आए, दोनों पैर को मिलाएंगे भुजंगासन की स्थिति में, दोनों हाथों को अपने छाती के पास रखें, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ गर्दन को ले जाएं, कमर से मोड़ें पूरा ऊपर, कोशिश करें आपका नाभि वाला स्थान आपके मैट से लगा रहे, पैर बिल्कुल पीछे मिला हुआ, अगर जिनसे नहीं मिलता है वो थोड़ा सा गैप भी रखे और गर्दन को ऊपर की तरफ पूरी भुजंग की तरफ करना है, जैसे कोबरा पोज कहा जाता है इसको। बहुत अच्छा अभ्यास होता है ये भी, आपके वक्षस्थल के लिए श्वसन संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उसको दूर करता है, उसमें फैलाव लाता है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करेंगे मकर आसन की स्थिति। एक बार पुनः दोहरा जाएंगे भुजंगासन, बहुत सुंदर, पूरा खिंचाव अपने वक्षस्थल वाले एरिया पे, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रखें, पीछे की तरफ से थोड़ा गोलाई से ढीला छोड़ें, पैर मिली हुई नाभि से ऊपर वाला भाग उठा हुआ भुजंग की तरफ, सांप का जैसा फन होता है उसी तरह से हमारी ये स्थिति बनती है। धीरे से वापस आए श्वास छोड़ते हुए, विश्राम करें कुछ देर। अगला आसन हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाला आसन। सबसे पहले पैर मिलाइए, आइए पीठ के बल लेटेंगे, आराम से घूम जाएं, अब जो हम आसन करेंगे वो करेंगे सेतु बंद आसन, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है सेतु बंद। हाँ बिल्कुल, ये सेतु मतलब ब्रिज होता है और ब्रिज के समान हमारी आकृति हो जाती है पूरे शरीर की। तो सबसे पहले हम अपने दोनों पैर को एक एक करके मोड़ेंगे, और अपने हाथ से अपने एड़ी को पकड़ेंगे, अगर जिनसे नहीं जो नहीं पकड़ पाते हैं वो दोनों हाथ को मिला के पीछे की तरफ से रख लें नीचे, और श्वास भरते हुए पूरे कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, खिंचाव दें,
बहुत सुंदर अभ्यास है ये भी आपके फेफड़ों के लिए। श्वास बिल्कुल सामान्य रखें, ये भी कब्ज की समस्याओं को दूर करता है जो कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि आंतों में घिंचाव आता है, उधर किस्म में पूरा घिंचाव आता है। कुछ समय यहीं पे रुके, जो अपने एरी को नहीं पकड़ पाते वो पीछे से दोनों हाथों को लॉक करके रखेंगे और कमर को उठाएंगे, धीरे से नीचे आए, कमर रखें नीचे, पैरों को फैला दें, शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन के लिए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, हथेली ऊपर की तरफ, पैर खुला हुआ, पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर रखें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, योगिक ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, जब आप सांस ले रहे हैं पेट ऊपर की तरफ हो रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं पेट नीचे हो रहा है, उस आती जाती श्वासों पे पूरी सजगता लाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में बिल्कुल अपने पूरे शरीर को और सजगता पूर्वक देख जाएं एक बार, कहीं भी खिंचाव तनाव है तो उसे दूर करें। बिल्कुल सबके समान छोड़ दें, मृत बॉडी के समान, कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं, बस ध्यान अपने श्वासों के प्रति रखें, सजग रहें। धीरे से वापस आएं, दोनों पैर मिलाएं, धीरे से बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठेंगे। शवासन बहुत ही प्रभावकारी आसन है, ये आपके शरीर को बिल्कुल शांत करता है, मन को शांत करता है, जैसा हमने बताया था पहले भी, ये मनोवैज्ञानिक कारण भी है इसका। तो आप जब शवासन की स्थिति में होते हैं तो मन बिल्कुल हमारा शांत होता है, और जब आपको अस्थमा में क्या होता है, अगर आपको अटैक भी आना होता है तो उस समय भी आप अगर शवासन का अभ्यास करेंगे, योगिक ब्रीदिंग करेंगे, तो बहुत प्रभावकारी होता है, उससे आपको निजात मिल सकता है उस समय। तो अब अगला जो हमारा क्रिया है वो करेंगे हम षटकर्म का अभ्यास में कपालभाति। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कपालभाति, इसमें कपाल का मतलब होता है हमारा फोरहेड, भाति मतलब होता है चमक, ये हमारे कफ को दूर करता है, जैसा कि अस्थमा के बारे में हमने बात करी कि ये एक कफ प्रवृत्ति के रोग होता है। तो हम अपने किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, इसमें लोहार की धोकनी के समान श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, फोर्सफुली वेगपूर्वक करेंगे, थोड़ा सा सहजता रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर जिनको हाई बीपी की समस्या होती है वो थोड़ा सा इस आसन को धीरे धीरे करेंगे वेगपूर्वक, ये आपके पूरे कफ प्रवृत्ति को दूर करता है। रिलैक्स करें, आंखें बंद ही रखें, प्रभाव को महसूस करें, श्वास प्रश्वास सामान्य होने दें। अब इसी क्रम में हम बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर। जो हमारा पहला प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सबसे पहले सामान्य स्थिति में कमर गर्दन सीधी, हाथ का ज्ञान मुद्रा ही बनाएंगे, वेग पूर्वक श्वास को भरेंगे और वेग पूर्वक श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, ये भी हमारे कफ विनाशक होता है,
कुछ भी म्यूकस भी होता है तो बाहर आ जाता है, इसमें श्वास में वृद्धि होती है। बहुत अच्छा अभ्यास होता है ये हमारा भस्त्रिका। बीस बार कर जाएं। प्रारंभ में थोड़ा सा धीरे धीरे करना है रोगी को, बाद में इसकी जो गति को थोड़ा सा बढ़ाना है। रिलैक्स करें, ध्यान अपने ब्रीदिंग के ऊपर, श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। ध्यान क्या परिवर्तन हुआ है उसको थोड़ा महसूस करें, मन में शांति होने दें। अगला जो प्राणायाम है, सूर्यभेदी प्राणायाम। बिल्कुल, सूर्यभेदी प्राणायाम जो है हमारे शरीर में ऊष्मा को बढ़ाता है। उसके लिए अपने दाहिने हाथ को प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहले दो उंगलियों को मोड़ें, पहले उंगली खोलें, बहुत सुंदर। अपने बाएं नाक को बंद करें और दाएं नाक से श्वास भरें और बाएं से श्वास को निकाल दें। 3 से 4 बार करेंगे इस क्रिया को। इस क्रिया से आपके शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूर्यभेदी प्राणायाम जैसा कि नाम से ही होता है, और जो हमारा जो अस्थमा होता है ये कफ प्रवृत्ति का रोग होता है, तो उसमें ये बहुत सहायक होता है क्योंकि हमारे शरीर में ऊष्मा को बढ़ाता है ये। 3 से 4 बार करें। दाहिने नाक से श्वास को लेना होता है और बाएं से श्वास को छोड़ना होता है। सूर्य हमारे गर्माहट के प्रतीक होता है, जो गर्म करता है, दाएं नासिका, सूर्य नारी भी कहते हैं उसको, इसीलिए इसका नाम सूर्यभेदी, क्योंकि सूर्य नारी से हम श्वास को अंदर लेते हैं। बहुत अच्छा, 3 से 4 बार कर जाएं क्रिया को। हाथ को नीचे लाएं, अगला आसन हम करेंगे प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसके लिए भी प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अपने दाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से श्वास को भरें और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ दें। फिर दाएं नासिका से श्वास को भरें, बाएं नासिका से श्वास को छोड़ दें। ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर एक रेशियो लेके चलेंगे। अगर आप 5 काउंट सांस को भर रहे हैं तो 7 काउंट छोड़ना है। प्रारंभ में अगर 4 गिनती तक ही ले पाते तो उससे थोड़ा सा अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक समय लगा के श्वास को बाहर की तरफ निकालना है। यह आसन बहुत ही, अब जो प्राणायाम है, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, क्योंकि इसमें मन की जो सबसे ज़्यादा शांत करने वाला आसन यही है। हमने पहले भी बात करा था, जो एक कारण होता है जो हमारा मानसिक, जो मनोवैज्ञानिक कारण जो बताया गया है, उसके लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, वो बहुत लाभकारी होता है मन को शांत करने के लिए, आपके चित्त को शांत करने के लिए। मन में जिनको चंचलता रहता है, सबसे अच्छा ये प्राणायाम बताया गया कि आप अनुलोम विलोम करेंगे, आपका मन शांत रहेगा। 3 से 4 बार करें। दाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए समाप्त करेंगे। हाथ नीचे लाएं। अब करेंगे हम अगला ध्यान, ओम ध्यान करेंगे। हमें 5 बार लघु ओम का जप करना है। ध्यान अपनी भ्रूमध में लगाएं, दोनों आइब्रोओं के बीच में, मन को शांत होने दें।
सजग पूरा हो जाएं अपने सांसों के प्रति। मन में चल रहे विचारों की श्रृंखला धीरे धीरे कम होते जा रहा है। भ्रू मध्य में दोनों आइब्रो के बीच में ध्यान को लगा के रखें और शांत होते जाएं, मन को और रिलैक्स करते जाएं। आज्ञा चक्र पे ध्यान। यहीं से अब हम शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करें, आंखों पे लगाएं, अंदर ही पलके को झपके धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आए। बहुत सुंदर। तो ये आज की योग क्रियाएं रही और इनके माध्यम से आप अस्थमा की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, या अगर इन क्रियाओं को करते हैं तो अस्थमा की संभावनाएं कम से कम रहेंगी। सबसे पहले आपने जाना कारण और लक्षण, उसके बाद क्यों होता है ये भी जाना आपने, उसमें पोल्यूशन यानी प्रदूषण और लाइफस्टाइल बहुत महत्वपूर्ण है। और चलते चलते, क्योंकि अब हम अपने आखिरी चरण में हैं इस सत्र के, तो आज की योग शक्ति का जो आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा हमारे आज के योगा एक्सपर्ट से, कि खान पान और लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली और खान पान में क्या परिवर्तन करना चाहिए ताकि अस्थमा की समस्या कम से कम होने की आशंका रहे या चुनौती रहे। जैसा कि हमने अभी इसमें योगा अभ्यास किया है, उसके साथ साथ आपके जीवन में आपके लाइफ स्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। उसको जीवन शैली में सुधार लाना, आप अपने नियमित समय से रोज़ योगा अभ्यास करें। विंटर अगर जाड़े का मौसम है तो उस समय अपने आप सावधानी बरते, अपने गर्म कपड़े पहन के रखें, और इसके साथ खान पान में विशेष ध्यान रखें। ठंडी चीज़ों का अवॉइड करें, जो श्लेष्मा उत्पन्न करने वाली जो चीज़ें हैं, दही से बने जो दूध से बने जो चीज़ें हैं, दही, मिठाई, चावल, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी सेवन ना करें। और चाय की जगह इसमें काढ़ा का उपयोग करें। काढ़ा में आप दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, ऐसी तरह की चीज़ें डाल के आप एक गिलास पानी डालें, और जब आधा गिलास रह जाए तो उसका चाय की जगह आप सेवन करें। और कच्ची चीज़ों का सेवन ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में करें। जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, मौसम के अनुसार जो फल होते हैं उसका सेवन करें। कच्ची हरी सब्जियों का सेवन करें, शाक, तो वो आपके लिए लाभकारी है। ठंडी चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ये चीज़ें विशेष रूप से आपको ध्यान रखें। चलिए, तो ये क्या खान पान करना है, क्या लाइफस्टाइल होनी है, ये जान लिया आपने। और एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा सर से, कि आमतौर पर अस्थमा का जब एक्यूट हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो कई बार अटैक आते हैं, उसके लिए लोग दवाइयों की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या इसमें योग से भी कुछ इमीडिएटली इफेक्ट मिल सकता है, राहत मिल सकती है? बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका सर जी। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी अस्थमा पेशेंट को अटैक आता है तो वो इनहेलर और दवाई की तरफ भागते हैं और उनसे उनको निजात मिलता है। लेकिन हमारे योग अभ्यास क्रिया में भी कुछ ऐसे अभ्यास है जिससे आपको उस समय रिलीफ मिल सकता है, आराम मिल सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो एक कुंजल क्रिया होता है। अगर आपने 3-4 घंटे पूर्व खाना खाया हो तो अगर उस समय अटैक आ रहा है तो आप 1-1.5 से 2 लीटर पानी पिए और उल्टी कर दीजिए, पानी को बाहर निकाल दीजिए, तो भी आपको रिलैक्स मिल जाएगा। अगर आपने खाना खाया है तो एक होता है व्याघ्र क्रिया, हमारे योग में बताया जाता है। उसमें क्या करना है, आपने खाना को भी बाहर निकाल देना, उल्टी कर देना है, तो भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। और जो तीसरा है, अगर आपने खाना भी खाया, अगर इन दोनों चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, तो आपने करना है सब आसन की स्थिति में लेटना है और योगिक ब्रीदिंग करना है, जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाना है, जो सांस आ रही है, जो श्वास जा रही है, उस आती जाती श्वासों के प्रति सजग हो जाना है। जैसे आपने श्वास भरा, पेट ऊपर की तरफ हो रहा है, श्वास छोड़ा, पेट नीचे की तरफ हो रहा है, उस आती जाती श्वासों में पूरा ध्यान लगा देना।
अगर आप उसको भी लगाते तो भी आपको उससे सावधानियां रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। तो बहुत अच्छी जानकारियां, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लर्नर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको आज का ये सत्र उपयोगी लगा होगा। योगिक मैनेजमेंट फॉर अस्थमा, यानी अस्थमा की समस्या से योग के माध्यम से कैसे छुटकारा मिले, आज का ये विषय था। और आज के सत्र में उपस्थित दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर जुड़े कृष्ण कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ESIC हॉस्पिटल में योगा इंस्ट्रक्टर हैं और PhD स्कॉलर भी हैं। साथ ही साथ योगा डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर हमारे साथ जुड़ी कोमल, जो कि MDNIY में एलुमनाई हैं। कोमल का भी हम धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने जो भी आज की योग की क्रियाएं थी उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करके दिखाया, और इससे आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। और अब मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी का भी, जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं शिक्षा और जागरूकता के इन कार्यक्रमों के लिए। तो इसी तरह से बने रहिए ई विद्या के साथ, तमाम अवेयरनेस और एजुकेशनल प्रोग्राम्स और सेशंस के लिए। अब दीजिए आज की योग शक्ति कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति मुझे, यानी देवेंद्र त्रिपाठी को। आप सभी का समय शुभ रहे। नमस्कार।